चलिए एक दो स्टॉक्स आप देख लीजिए, अब टॉप ट्रेड कंपनीज की श्रेणी को फिर छेड़ते हैं। और इनफैक्ट पहले अगर आप देखें एसबीआई था, उसके बाद मैंने इनफैक्ट एक सुजडॉन को बात की थी, दीवान हाउसिंग को। फर्स्ट सोर्स अब 4680 पर, इसने बड़ा दिलचस्प मूव दिया। उसके बाद देखिए आप एक और काउंटर जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है आज विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, आप देखिए जी मीडिया कॉप, ये लगभग 3% ऊपर और गति डे हाई के पास है। अब NTPC 151 पर, नया 52-week हाई, हालांकि इंटरडे बेसिस पर आप देखें 152-30 का हाई लगाया था इसने, ये इसका 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर है। नताशा, इन एनी सर्कमस्टेंसेज, आई मीन NTPC शायद आपको रोज़ बर रोज़ 5-3-2-1% का मूव ना दे, ये एक बहुत स्टेबल मूव देता है। आपकी राय क्या NTPC पर इस प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो इसने कल पार किया 148 का जोन, आप चेज करना पसंद करेंगे पावर स्पेस में या फिर आपकी कोई और चॉइस है पावर स्पेस में? इस समय पावर स्पेस पे हम लोग न्यूट्रल ही हैं, इसलिए क्योंकि ऑल्दो काफ़ी उसके लिए एफर्ट्स करे जा रहे हैं पावर सेक्टर के रिवाइवल के लिए, और एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी साइड में तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई भी है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा सेक्टर प्ले आउट करता है उसमें 2-3 साल लगेंगे इस सेक्टर में एक्चुअली अर्निंग्स में और फंडामेंटल्स में सुधार आने के लिए। तो इस समय हम लोग पूरी सेक्टर पर न्यूट्रल हैं, तो कोई ऐसा हमारा कोई स्टॉक पिक नहीं है उसमें। बिल्कुल, चलिए इस बीच बाजार बंद होने के 15 मिनट का समय बाकी है, लेकिन आज जो इंटरनेशनल क्यूज रहे हैं वो भी कमजोर ही रहे। हमने यूरोप में देखा कमी देखने को मिल रही थी, कमजोरी देखने को मिल रही थी, डाउ फ्यूचर्स जो है वहां पर भी रुझान मंदी का ही देखने को मिल रहा है। कल के लिए स्ट्रेटेजी ऐसे में क्या होनी चाहिए मिस्टर सातपुते? देखिए मेरे हिसाब से तो स्ट्रेटेजी हमारी लॉन्ग की रहेगी, अंटिल एनलेस निफ्टी वोंट ब्रिज 8180 बायस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से हम लोग को देख रहे हैं कि वहीं पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। एंड बेसिकली स्ट्रैटेजी तो टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू मिहिर, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल ही ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये ऑप्शन राइटर का मार्केट है, भला आप कॉल देखो या पुट राइट देखो, ऑप्शन राइटर का मार्केट एंड स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। जैसे कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में मुँह है, ONGC में हम देख रहे हैं कि ONGC में बहुत दिन के बाद आज मुँह आया, इनफैक्ट BTST काउंटर में कोल एंड ONGC आ गया है। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट चलता रहेगा और उसमें ही काम करना पड़ेगा। इस बीच आप ONGC को देखिए, वाकई आई मीन 221 के स्तर पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक को करने वाला एक काउंटर है। इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन के निचले भाग पर, हवाई किराए पर किसी भी प्रकार का कैप नहीं लगेगा। इसको इस खबर को अगर आप देखें विस्तार से देख लेते हैं, आई थिंक कोई भी कैप ना लगना, आई थिंक देखिए ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से तो अगर आप देखें खराब खबर है, लेकिन एविएशन कंपनियों के लिए सही खबर हो सकती है, लेकिन कितनी तर्कसंगत खबर है मेरे को नहीं मालूम। आपको मालूम है जाट आंदोलन के वक्त जब ऑलमोस्ट ये रास्ता बंद था दिल्ली से अगर आप देखें चंडीगढ़ का, उस वक्त फ्लाइट से किराए ऑलमोस्ट 1-1 लाख पहुंच गए थे। चेन्नई में भी फ्लड्स के बाद आपने देखा होगा कि जो हैदराबाद और बैंगलोर की फ्लाइट्स थी वन वे इकोनॉमी क्लास 70,000 और 80,000 रुपए की बिक रही थी। तो ये खैर अगर ये सच में है कि कैप नहीं लगने वाला है तो ये तो वाकई बड़ी खबर है, लेकिन सरकार जिस तरह से बयानबाजी करती रही है इस पर और जो एक अग्रेसिव स्टांस उनका रहा है, आई थिंक थोड़ा इंतज़ार करेंगे इस खबर की पुष्टि होने के लिए। लेकिन अभी सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है वो यही है कि जो एयर फेयर्स हैं उन पर कैप नहीं लगेगा, और सरकार ने इनफैक्ट खंडन किया है कि सरकार की योजना है जो एयर फेयर्स हैं उस पर कैप लगाने की, सरकार ने इसका खंडन कर दिया है। बड़ी खबर है एविएशन स्टॉक्स पर। मिस्टर अग्रवाल, क्या करेंगे आप? खरीदारी की सलाह दूंगा, वैसे भी हमारी खरीदारी की सलाह थी कुछ एक स्टॉक्स में, खास करके इंडिगो में 1,000 रुपये के आसपास आज ही कॉल दी थी हम लोगों ने, और इस खबर के बाद पॉजिटिव बिल्कुल कंपनियों के लिए बनता है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कंज्यूमर के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, कई जो वीरेंद्र ने गिनाए चंडीगढ़ और दिल्ली के भाड़े उसमें मैं खुद एक विक्टिम रह चुका हूँ। बिल्कुल कंपनियों के लिए तो अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि इंडिगो को कम शॉर्ट टर्म में कम से कम 1,050 के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है 990 के स्टॉप लॉस के साथ। देखें दरअसल ये खबर जो आ रही है PTI के हवाले से खबर आ रही है और महत्वपूर्ण खबर है। देखिए प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा है लेकिन इसका, और देखिए जितने शायद आप अचंभित होंगे उतने अचंभित हम भी हैं, लेकिन हम इनफैक्ट इस पर कुछ रिएक्शंस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस खबर के दो प्रोस्पेक्टिव हैं। देखिए सरकार ने सीधे सीधे खंडन भी कर दिया कि नहीं ऐसी इनफैक्ट कोई योजना नहीं है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कोई कैप नहीं लगाया जाएगा। तो इसका एक कहीं ना कहीं एक एग्जैक्टली खबर का क्रक्स पॉइंट क्या है, क्रक्स क्या है उसको कुछ देर में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई थिंक ये ड्राइव कर रही है।
ये खबर ऐसी है कि ये डेफिनेटली फॉर द टाइमिंग स्टॉक्स को ड्राइव करेगा। एक बार जरा टुडे में सारे स्टॉक्स का रिएक्शन देखते हैं। लेट्स टेक जेट एयरवेज, इंडिगो, इंडिगो आपके स्क्रीन पर आप देखें माफ कीजिएगा, एक सेलन स्पाइक के साथ 1004 के स्तर पर डे हाई पर कारोबार करता हुआ जेट एयरवेज 570 पर 3.5% ऊपर। एंड अगर आप स्पाइस जेट को देखेंगे, स्पाइस जेट भी दिखाई एग्जैक्टली क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। स्पाइस जेट भी अगर आप देखें 64 पे, आई थिंक इस खबर ने इसका जो डाउन साइड था वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हालांकि सुबह से अगर आप देखें काफी स्टेबल था। नताशा, इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा ये देखना कि एक्चुअली वो कैप लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं लगता है तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉजिटिव रिएक्शन आएगा ही आएगा स्टॉक्स में से। लेकिन जो प्रॉब्लम है एविएशन सेक्टर में कि वो स्ट्रक्चरली एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जो स्टॉक जो कॉस्ट्स हैं वो ऑपरेशनल ना होकर मतलब फिक्स नेचर के ही होते हैं। तो अगर किसी भी तरह से रेवेन्यूज में वेरिएशन आता है तो उनके मार्जिन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो स्ट्रक्चरली हम लोग को ये बिज़नेस फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स हैं रादर देन जी हाँ, बिल्कुल न्यूज ड्रिवन है। लेकिन जो दूसरी न्यूज है वो तो इनफैक्ट इनके लिए खराब है, क्रूड की ट्रैजेक्टरी जिस तरह की है। लेकिन इन सब के बीच कल के लिए बीटीएसटी कॉल्स क्या है ये देख लेते हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया मीर, शुरुआत करते हैं मुदित गोयल की कॉल्स के साथ। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है एसबीआई में, टारगेट्स जो बताए हैं 216 के हैं, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 206 का। इसके अलावा कैस्ट्रॉल पर भी इन्होंने बीटीएसटी ट्रेड ही रेकमेंड किया है। टारगेट यहां पर खरीदारी के लिए जो बताया है वो 400 का है, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 382 का। इंतियाज कुरेशी की तरफ से दो कॉल्स हैं और दोनों ही एसटीबीटी ट्रेड्स इन्होंने रेकमेंड की हैं। पहली कॉल है इनकी एशियन पेंट्स पर, बिकवाली की राय, टारगेट बताया 960 का, स्टॉप लॉस हम ऊपर में लगा सकते हैं 1020 का। इनकी अगली पिक है आईसीआईसीआई बैंक, बिकवाली की सलाह यहां पर, टारगेट बताया 242 का, स्टॉप लॉस हमें ऊपर में लगाना है 258 का। आखिरी कॉल से लोकेश उपल की तरफ से, इन्होंने सीएच पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट्स बताए हैं हमारे को 945 के, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 890 का। और इनकी जो आखिरी पिक है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर, यहां पर खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने, टारगेट बताया 368 का और नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 352 का। जी हां, इस बीच अगर आप देखें थोड़ा सा इंडिसेस पे लौटते हैं, ये ट्रेडिंग कॉल्स देखिए आपने बीटीएस ट्रेड्स के लिए। इस बीच कुछ और ट्रेडर्स कॉल्स की बात करते हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। और इस क्रम में अगर आप देखें, खैर चलिए थोड़ी देर बाद में ट्रेडर्स कॉल्स पर चलूँगा, आगे इनफेक्ट आगे अगर आप देखें यहाँ पे एआई इंजीनियरिंग लगभग लक्ष्य 1080 का 1015 का स्टॉप लॉस है और थोड़ा सा विलंब हो रहा था, इसलिए अगर आप देखें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। बाकी एक प्रभाकर की दूसरी कॉल है पावर ग्रिड, लगभग 158 के स्तर पर लक्ष्य 151 का स्टॉप लॉस। और इनकी तीसरी कॉल है एक ही प्रभाकर की, वो है 572 के दागे जेट एयरवेज में। इनमें से कुछ आप पिक करें राजेश? देखिए मैं यहाँ पे दो कॉल पिक करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि PSUs में मुझे लगता है कि आज ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसमें से एक पंजाब नेशनल बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक को मैं पिक करना चाहूँगा। 80-75 करंट मार्केट प्राइस है, मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे इसका जो टारगेट है वो मेरा है 1991 का, तो वन कैन गो लॉन्ग विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ से 80। दैट इज़ वन काउंटर जो हमने BTST दिया है। और दूसरा काउंटर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा मूव है। ONGC कोल तो डिस्कस किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वन काउंटर जो आज हमने एक डिस्क्लोजर है कि हमने यहाँ पे लॉन्ग रिकमेंडेशन दिया है। और इसका जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ एट 960। अगर आप प्राइस पैटर्न देखो तो बेहतरीन प्राइस पैटर्न है और इसका जो टारगेट बनेगा वो रफली है 994 का।